राजकीय सम्मान के साथ शहीद विनोद सिंह पंच तत्व में विलीन हुए। खबर ऋषिकेश से। जम्मू कश्मीर के कछुआ आतंकी हमले में शहीद हुए अठुरवाला निवासी शहीद विनोद सिंह का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ मुनि कीर्ति स्थित पूर्णानंद घाट पर पंच तत्व में विलीन हो गया। उनके चचेरे भाई पंकज भंडारी ने शहीद विनोद सिंह को मुखाग्नि दी। गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट ने सैन्य सम्मान किया। सैनिकों ने सबसे पहले शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किया और हवा में 3 राउंड हवाई फायर कर सलामी दी। इस दौरान प्रदेश की द्वय काबीना मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल व सुबोध उनियाल सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने अंत्येष्टि स्थल पहुंचकर शहीद विनोद सिंह को श्रद्धांजलि दी। काबीना मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल व सुबोध उनियाल ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मौके पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद विनोद सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा विनोद तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। शहीद विनोद सिंह अपने पीछे पत्नी, एक 4 साल का बेटा व 3 महीने की बेटी को छोड़ गए हैं। इसके अलावा विनोद सिंह अपनी 3 बहनों के इकलौते भाई थे। विनोद सिंह के पिता भी सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हैं। खड़ी है और जो भी हमारे यहाँ निर्धारित चाहे वो राशि हो चाहे अन्य चीज़ें हो वो सब इनको मुहैया कराई जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कल जब एयरपोर्ट पे थे उन्होंने भी वही बात की, मैं भी दोहरा रहा हूँ। और निश्चित रूप से चूंकि आप जानते हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति देशभक्त है, माँ भारती की सेवा में अपने आप को समर्पित करता है, शहादत देता है, तो उनकी शहादत के लिए हमेशा हमारी सरकार खड़ी है। देखिए बहुत दुखद घटना है और जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए, तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर गमगीन है। और ये शहादत उत्तराखंड की वीरता का प्रतीक है कि उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी को अमर कर लेती है। 5ों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरा देश हमेशा याद रखेगा और ये दुश्मनों से इसका बदला लेने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा भी आर्मी को देगी। खबर भारतवर्ष के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड से चित्रवीर क्षेत्री की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।